आज के इस खूबसूरत दिन में उदय समुद्र रिजॉर्ट से बाहर निकलते हुए ये ड्राइव विद डॉयल्स की सवारी आज आपको अपने साथ लेकर चल रही है एक नई डेस्टिनेशन पर। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है एक नए दिन में ड्राइव विद डॉयल्स के साथ आपका। थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ इस ट्रिप पर बने हुए हैं। और ये रास्ता जाता है सीधा कन्याकुमारी की तरफ, लेकिन हम कन्याकुमारी न जाते हुए राइट टर्न ले रहे हैं और आपको अपने साथ लेकर चल रहे हैं आज कहाँ? जी हाँ, पूवार आइलैंड। ये एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है हमने सुना है, और हम जा रहे हैं बैक वाटर बोटिंग के लिए। जब हमने केरला की ट्रिप फाइनल की थी कि हम केरला जाएंगे, तो उसमें कई सारी डेस्टिनेशंस में से एक डेस्टिनेशन थी एलेप्पे, जहाँ हमने सोचा था कि एक या दो दिन हम ज़रूर स्टे करेंगे और जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं केरला की उसको कवर करते हुए हम बोट हाउस का मज़ा ज़रूर लेंगे। लेकिन मॉडिफिकेशंस हमारे प्लान में तो शुरू से ही होते आ रहे हैं और वही मॉडिफिकेशन के चलते एलेप्पे हमारी प्लान में से ड्रॉप आउट हो गया और हम आ गए त्रिवेंद्रम। लेकिन बैक वाटर बोटिंग का मज़ा तो ले सकते हैं, बोट हाउस में नहीं रुके तो क्या हुआ। तो दोस्तों, आज हम आपको अपने साथ लेकर चल रहे हैं पूवार शहर है या गांव है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन बैक वाटर बोटिंग वहाँ पर होती है और हम आज उसी का मज़ा लेने जा रहे हैं। तो ये है सर्विस लेन, और मेरे राइट साइड पे जो आपको वॉल दिखाई दे रही है ये हाईवे की वॉल है, बाउंड्री वॉल है। एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल हाईवे जो सीधा जाता है कन्याकुमारी। नेशनल हाईवे 44 है ये, लेकिन हमें जाना है कोवलम से निकलते हुए पूवार की तरफ। और मैं आपको यहाँ इस रास्ते में एक बड़ी अच्छी सी खूबसूरत चीज़ दिखाना चाहती हूँ। साइड में आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं जो ऐसे हाई वेव की तरह है, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जो आइडिया है इस कंस्ट्रक्शन का वो है वेव की तरह बनाया हुआ बाउंड्री वॉल। इट इज़ ब्यूटीफुल। दूर से जब इसे देखते हैं तो ये बहुत खूबसूरत नज़र आता है, और जब हम इसकी ऊंचाई पर जाते हैं दोस्तों तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली और कोकोनट की इतनी खूबसूरत ये प्लांटेशन नज़र आती है। मैंने केरला के बारे में बहुत कुछ सुना था, और उसमें से एक बड़ी ही खूबसूरत सी लाइन थी कि ये नारियल की भूमि कहलाती है। तो यहाँ आके मुझे पता चला ये नारियल की भूमि क्यों कहलाती है। जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी नारियल आपको नज़र आएगा दोस्तों। ये देखिए रास्ता, अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगी तो साइड की जो बाउंड्री वॉल है वो पूरी तरह से वेव के स्ट्रक्चर में बनाई गई है, और ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। और रास्ता जाता है कन्याकुमारी की तरफ, हम जा रहे हैं पूवार की तरफ। कन्याकुमारी हमारी लिस्ट में है और हमें कन्याकुमारी टच तो करना है दोस्तों, क्योंकि अगर हम इंडिया के लास्ट पोर्शन में आए हैं तो फिर हमें उसके एंड पॉइंट तक जाना तो बनता है। फिलहाल आप हमारे साथ चलिए मज़ा लेने केरला के पूवार शहर का, जहाँ पर है नायर नदी। जी हाँ, नायर रिवर के नाम से फेमस है वो जगह। वहाँ जाकर पास और अच्छे से हमें पता चलेगा वहाँ की डिटेल्स के बारे में। तो खूबसूरत गॉड्स ओन कंट्री, यस इट इज़ ट्रूली अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। बहुत ही खूबसूरत कल्चर यहाँ किस तरह से प्रिजर्व करके रखा हुआ है केरला का, इट इज़ ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लगता है देखकर, और मैं बार बार यहाँ अपनी फ्रेंड्स को मिस कर रही हूँ जो मेरे साथ जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, जो वो केरला की बातें करते थे तो सुनकर बहुत अच्छा लगता था, पर मैं इतना खूबसूरत विजुलाइज़ नहीं कर पाती थी अपने आप में, इमेजिनेशंस में, जितना ये एक्चुअली में है। ये जगह बहुत खूबसूरत है। सो हमारे साथ आप चल रहे हैं आज। इसके बाद हम जाएंगे कोवलम बीच पर, लेकिन पहले जो दिन का समय है वो हम बिताएंगे एक बोट हाउस में। रास्ते में हमें एक गाइडेंस मिल गया, और एक्चुअली में वो था तो एक एजेंट ही, लेकिन उन्होंने जब देखा कि ये बैक वाटर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं तो फिर वो हमारे गाइड बन के हमारे साथ आ गए और बोले हम आपको एक अच्छी जगह लेकर चलते हैं। और ये ले आए हैं हमको बोटिंग के लिए। उस एरिया से मैं और इवन बोट में सवार हो चुके हैं, हमारी सवारी तैयार है और हम इंतज़ार कर रहे हैं मिस्टर डॉयल का कि वो अपनी क्लिप कंप्लीट करें, अपनी रिकॉर्डिंग कंप्लीट करें, और फिर आए हमारे साथ। हमारी सवारी यहाँ रेस्टिंग मोड पर, और ये मैं और इवेन बोट में इंतज़ार करते हुए हमारे बोट ड्राइवर के साथ। मिस्टर जॉन, इनका नाम मिस्टर जॉन है, जो हमें इस सवारी पर लेकर जा, इस सफ़र पर लेकर जाने वाले हैं एक्चुअली। एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, इसके आगे जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है और उसमें शायद आप में से कई लोग एग्री ना करें, या जो पहले केरला आ चुके हैं और इस काम को कर चुके हैं वो शायद कहें कि मैं गलत बोल रही हूँ। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है दोस्तों कि ये है बैक वाटर। देखने में बहुत खूबसूरत है ये जगह, नो डाउट। यहाँ की जो हवा है, जो वेदर है, जो सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हमारे टूर प्लान में जो हमने पहले डिसाइड किया था, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि हम एलेप्पे जाने वाले थे और बोट हाउस में एक दिन का स्टे करने वाले थे, लेकिन यहाँ आके मैंने बहुत बार बोला थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड कि हमने अपने उस प्लान को चेंज कर दिया। मैं शायद बोट हाउस में नहीं रह पाती। ये आकर बोटिंग करने के लिए तो बहुत अच्छी जगह है, आप आइए, बोटिंग करिए, घूमिए, मज़े लीजिए, लेकिन उसके बाद आप वापस चले जाइए क्योंकि बहुत मोनोटोनस हो जाता। अगर ऐसा ही एरिया आगे जाके हमें शायद बोट हाउस दिखने वाला है, यहाँ का महिंद्रा रिजॉर्ट यहाँ आगे मिलेगा हमको, तो वहाँ जाके और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी मेरी अपनी ये व्यू पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखा है कि यहाँ आकर आप घूमिए फिरिए, बट ऐसे बैक वाटर में आकर स्टे करना एक दिन दो दिन के लिए, आई डोंट फील एक अच्छा ऑप्शन होगा। बहुत सारी फीलिंग्स आ रही थी मुझे यहाँ पर कि अच्छा हुआ कि भाई हम अपने होटल, अपने रिजॉर्ट में हैं, ये घूमने फिरने के लिए अच्छी जगह है बट स्टे करने के लिए नहीं है। प्लीज़, मैं यहाँ स्टे नहीं कर सकती। और दूसरी बात दोस्तों, जब मैं यहाँ घूम रही थी तो मुझे इतना डर लगा कुछ पल के लिए कि यहाँ मतलब एक फॉरेस्ट जैसा इलाका है, कहीं से कोई क्रोकोडाइल ना आ जाए। हालांकि हमारे गाइड ने हमसे कहा कि यहाँ क्रोकोडाइल नहीं है, बट वाटर एनिमल्स तो वाटर एनिमल्स होते हैं, कहीं से आ गए तो। ये सवाल इवेन का था तो वो मुझे भी डरा रहा था, बट देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, आई शुड एन्जॉय दिस मोमेंट। एंड फिर मैं इंजॉय करने लगी। सामने देखिए शहर का ब्रिज, ऊपर से गाड़ियाँ जाती हुई और नीचे से हम अपनी बोट लेके निकलेंगे। आगे हम जाने वाले हैं एक बीच पर जो है गोल्डन सैंड बीच, लेकिन पहले ही वहाँ पहुँचने से पहले ही हमको ये चेतावनी दे दी गई है कि आज जो वार्निंग है वो हाई टाइड की है, तो शायद हमें बीच पर उतरने ना मिले। तो उससे पहले हम जंगल का नज़ारा देख लेते हैं। यहाँ भी उतरने नहीं मिलेगा। देखिए छोटी छोटी बोट्स हैं और यहाँ पे यहाँ के लोकल आइटम्स हैं जो बेच रहे थे लोग, और अजीब गरीब फ्रूट्स मुझे इस फॉरेस्ट ही कहूँगी मैं इसे, फॉरेस्ट में देखने को मिले। ऊपर से बस जाती हुई नीचे से हम भी जाएंगे। अभी ये हमारा ट्रैफिक इलाका है, वो रोड बेस का इलाका है, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स यहाँ दिख रहे थे और मैं बार बार अपने गाइड से पूछ रही थी कैन वी ईट दैट, मैं इसे खा सकती हूँ क्या, मैं इसे तोड़ सकती हूँ क्या, बट एवरी टाइम ही वाज सेइंग नो, ये हम नहीं खा सकते। सी, दिस इज बैम्बू फॉरेस्ट, ब्यूटिफुल, डेंजरस, दोनों फीलिंग्स हैं, मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स। डर भी लग रहा है और वाव भी निकल रहा है। वाव, एक डिफरेंट वाला वाव था यहाँ पर। और वाव बोलने के बाद यही सवाल आता था कुछ आ तो नहीं जाएगा, कोई डिफरेंट एनिमल तो नहीं आ जाएगा, भागेंगे कहाँ, क्योंकि पानी इतना गंदा है कि इसमें स्विमिंग करने का तो कोई प्लान। वैसे मुझे स्विमिंग नहीं आती, बट मेरे साथ बैठे हुए दो कैंडिडेट्स, उनको स्विमिंग आती है और इस पानी में स्विमिंग करने का कोई प्लान, कोई मूड नहीं है। यह है बैम्बू फॉरेस्ट, फेमस है यहाँ पर। और अभी हमारी क्लिप में शायद आपको नज़र ना आए, छोटे छोटे फ्रूट्स यहाँ पर भी थे, कुछ कुछ अलग अलग ट्रीज़ में। और यहाँ केरल में आके कई सारे डिफरेंट फ्रूट्स खाने का मौका मिला जो हमें नॉर्थ में अक्सर नहीं मिलते, और अगर फ्रूट मार्केट में बड़े शहरों में आ भी जाएं तो उनके प्राइस इतने हाई होते हैं कि हम दूर से उन्हें टाटा नमस्ते कर देते हैं। बट थैंकफुली मैंने यहाँ पे यहाँ के लोकल, काफ़ी सारे लोकल फ्रूट्स को टेस्ट किया है। गोल्डन कोकोनट वाटर जो हमें नॉर्थ साइड में नहीं मिलता है अक्सर, शायद मुझे तो कभी नहीं मिला, हमारे यूपी तरफ तो कहीं नहीं मिलता है। गोल्डन कोकोनट वाटर मैंने यहाँ टेस्ट किया एंड इट वाज अमेजिंग, बिल्कुल सेम, कोई अंदर से कोई गोल्डननेस नहीं थी उसमें, वैसे ही टेस्टी जैसे नॉर्मल कोकोनट वाटर होता है। तो अब हम बैम्बू फॉरेस्ट से बाहर आ गए हैं और एक और फॉरेस्ट है, इसके अंदर जाया नहीं जा सकता क्योंकि रास्ता नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं बीच की तरफ और ये हमें वहाँ गोल्डन सैंड बीच तक लेकर जाएंगे, लेकिन उसका मुंह दिखाकर हमें ये वापस ले आएंगे क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम वहाँ उतर नहीं सकते, हाई टाइड अलर्ट है। हाई टाइड कैसे आएगी, अभी तो हवा इतनी तेज़ चल नहीं रही है। एनीवेज बीच पर जाने के बाद हमें एहसास होगा नई चीज़ का कि जो कहा जा रहा है वो कितना सच है, क्योंकि साइड से जो मेरे कमेंटेटर हैं, मेरे अपने पर्सनल गाइड मिस्टर डॉयल, उनका कहना ये है कि इन्हें उतारना नहीं होता है, इन्हें टाइम नहीं वेस्ट करना होता है। टूरिस्ट बहुत टाइम लगाते हैं। देखिए वो नज़र आता हुआ गोल्डन सैंड बीच और उसके साथ नज़र आता हुआ महिंद्रा रिजॉर्ट, आई थिंक सो यही है वो महिंद्रा रिजॉर्ट। लेकिन उससे पहले ये है एक छोटा सा रेस्टोरेंट कैफ़े जो बैक वाटर के बीच में बनाया गया है और हमारा आना जाना जो भी टोटल फेयर है उसमें ये यहाँ पे रुककर अगर आप कुछ रिफ़्रेशमेंट लेना चाहते हैं तो वो भी इंक्लूडेड है। आइटम्स इंक्लूडेड नहीं है, वो टाइम इंक्लूडेड है। और ये है गोल्डन, अच्छा ये गोल्डन नज़र आ रहा है इसीलिए ये गोल्डन सैंड बीच है। एक्चुअली मैं इसकी पिक्चर पहले देख चुकी हूँ। मेरी मौसी जो जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया कि मेरी एक मौसी हैं जो यहाँ 10-15 डेज़ का टूर पूरा बिता कर गई हैं और वो बोट हाउस में रह के गई हैं। अगर वो मेरी ये लाइन सुन रही होंगी तो वो नाराज़ हो रही होंगी कि उन्होंने तो बहुत मज़ा किया और उन्होंने मुझे एडवाइस भी किया था कि एलेप्पे ज़रूर जाना, बोट हाउस में ज़रूर रुकना, बहुत मज़ा आएगा। बट यहाँ का ये बैक वाटर देखने के बाद मेरी फीलिंग थोड़ी डाउन हो गई कि मैं बीच के पानी में जाकर रहना पसंद करूँगी, लेकिन बैक वाटर में मुझे पसंद नहीं आएगा कि बहुत साफ़ सुथरा माहौल नहीं है इस पानी का। बैक वाटर एक्चुअली बैक वाटर होता है यार, इट इज़ नॉट अ फ्रेश वाटर। दैट इज़ वॉट आई थिंक। मेरी थिंकिंग पे ना जाएं, आप अपनी अकल लगाएं। अगर आपको अच्छा लगता है आप ज़रूर आएँ, एलेप्पे आएँ, बोट हाउस में रुकें, मज़े करें। यहाँ एक टाइड आती हुई नज़र आई, शायद उसी टाइड को देखकर हमें मना किया गया कि इस बीच पर हमें नहीं जाना है, तो ये हमें मुँह दिखाई की रस्म कराते हुए शायद वापस लेके जाएंगे यहाँ से। तो हमने देख लिया ये है गोल्डन सैंड बीच, जिसके लिए वैन ने फुटबॉल मांगी थी कि वो इस बीच पर जाकर फुटबॉल खेलना चाहता है। तो हो गई फुटबॉल, हमने बच्चों को खेलते हुए देख लिया दूर से। देखिए वो मछुआरों के बच्चे हैं कि लोकल बच्चे, कौन बच्चे नहीं जानते हम, वो खेल रहे हैं। उन्हें देखकर मन भर गया, खुशी मिल गई कि अगर हम उतरते तो ऐसा होता। वो समर सॉल्ट कर रहा है बच्चा, तो अगर मेरा बच्चा उतरता तो वो भी समर सॉल्ट करता। हम अपने मन में ही खुश हो लिए। और अब हम यहाँ से लेंगे यू टर्न। एंड अच्छी बात है कि जो वापसी का जो रास्ता है वो दूसरा रास्ता है, तो हमें फिर से वही नज़ारे नहीं देखने होंगे, हमें नए नज़ारे देखने को मिलेंगे। और कुछ हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग सा फिर कुछ नज़र आ जाए, जैसे आते समय बैम्बू फॉरेस्ट हमने इंटरेस्टिंग देखा, अब और कुछ नज़र आ जाए। आए हाय बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत मन कर रहा था कि कूद कर चली जाऊं। अगर मैंने स्विमिंग आती और ये पानी साफ होता तो मैं ज़रूर चली जाती, बट वो उतना पास लेकर ही नहीं गए मिस्टर जॉन। इनका नाम मिस्टर जॉन है जो हमारे साथ बैठे हुए हैं गाड़ी में, सॉरी हमारी बोट में। तो वो हमें उतना पास ही नहीं ले गए क्योंकि शायद टेलीपैथी से उन्हें पता चल गया होगा कि इस महिला के मन में क्या चल रहा है। अगर मैं इसे पास ले गया तो ये कूद जाएगी, ये नहीं कूदी तो उसका बच्चा तो ज़रूर कूद जाएगा। तो वो दूर से ही हमको हमारा यू टर्न लेते हुए वापस, और बीच में छोटी सी चट्टान, उस पर खूबसूरत सा क्रॉस। और ये जगह जगह केरल में आपको मिलेंगे। मुझे बहुत अच्छी फील आ रही थी, बहुत अच्छे चर्चेस। अभी यहाँ आगे भी हम बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा। देखिए खूबसूरत नज़ारा, ये है पूरा बैक वाटर। ये सी वाटर नहीं है दोस्तों, बीच के उस पार जो एरिया है, जो वाटर है वो सी वाटर है और हम इस समय हैं बैक वाटर में, जो ऑलमोस्ट सी की तरह ही नज़र आ रहा है। ये भी रंग बदल रहा है सी को देखकर, यहाँ की लहरें भी कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं, बट इट्स जस्ट अ कॉपी कैट है नहीं ये समुद्र। और ये पूरा रिजॉर्ट है, और जब हम इसके पास से गुजरे तब मैंने रियलाइज़ किया कि यस, अच्छी बात है कि हमने बोट हाउस में स्टे करने का प्लान ड्रॉप कर दिया। और मैं बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं कर रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। और सेम म्यूचुअल फीलिंग है मिस्टर डॉयल की भी, उनका भी यही मानना था कि यार अच्छा हुआ हमने ये डिसीजन ड्रॉप कर दिया, एन्जॉय नहीं करते हम, शायद हमको अच्छा नहीं लगता। उतना मज़ा नहीं आता जितना अभी हम फ़िलहाल अपनी इस ट्रिप को जिस तरह से इन्जॉय कर रहे हैं, जितने मज़े ले रहे हैं, वो यहाँ रुक कर नहीं आता। थोड़ा अभी हम और पास जाएंगे, हो सकता है वहाँ पे चांसेस हों फीलिंग्स बदलने की, बट एनीवेज फीलिंग बदलने से तो अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि हम स्टे करने तो वाले नहीं हैं। सो देखिए इस खूबसूरत नज़ारे को, हमारे साथ ड्राइव विद डॉयल के साथ आप बने हुए हैं इस ट्रिप पर। और अभी हम हैं पोवार में, पोवार, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। और ये जो हमारे साथी हैं, साथ में जो साइड से बोट चल रही है, इनके अंदर भी कुछ ऐसी ही फीलिंग होगी, ओह वॉट हाउस, इसमें रुकने का, इसमें क्या होने का। हालांकि हमने अपने गाइड से पूछा था, इसमें रूम है, सब सारी फैसिलिटीज़ हैं, फूड भी शायद इसमें इंक्लूडेड होता है, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। सो पास से देखने पर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुआ, ऐसी अनुभूति नहीं आई कि एक दिन तो स्टे करके देखा जा सकता है। नो, आई डोंट वांट टू टेक एनी चांस। उस एक दिन में शायद मैं केरला का कोई और हिस्सा जाकर घूमना पसंद करूँगी। सो मूविंग अहेड, हम जा रहे हैं वापस। और हमारे गाइड ने हमसे पूछा कि क्या आप जूस पीना चाहेंगे, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे, एंड वी सेड नो, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। हमारा आगे भी बहुत सारी चीज़ों का प्लान है। जो लोग आते हैं, जिनके पास समय है, बहुत ज़्यादा समय है, दे कैन स्टे, दे कैन एन्जॉय, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो यू फील नाइस। हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, वी आर बिजी, आवर स्केड्यूल इज़ वेरी टाइट, सो वी आर गोइंग बैक। और जैसे मैंने आपसे कहा कि जगह जगह आपको छोटे छोटे चर्चेस दिखाई देंगे, क्रॉस दिखाई देगा, तो बड़ा ही खूबसूरत से ये नज़ारा। और यहाँ से हमें टर्न लेकर दूसरा रास्ता पकड़ना है, तो हम दूसरे हाईवे पर जाते हुए, अभी हाईवे ही है ये एक तरह से, पानी में है तो क्या हुआ। देखिए गोल्डन कोकोनट, देखने में बिल्कुल अलग, पीने में एकदम सेम। यहाँ के लोकल स्नैक्स और जो भी फ्रूट्स हैं वो सब यहाँ पे छोटे छोटे बोट्स में लोग बेचते हुए, इनका अपना बिजनेस है। आप चाहें तो रुककर यहाँ फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। हमने नहीं रुका, हम नहीं गए उतर कर, वी वर हैप्पी इनसाइड आवर बोट, सो जस्ट रिकॉर्डेड फ्रॉम आउटसाइड। तो दोस्तों ये देखिए कितना खूबसूरत है ये। और बार बार मैं एक ही चीज़ कह रही हूँ, खूबसूरत है खूबसूरत है। आप बोर हो गए होंगे इस शब्द को सुनकर, लेकिन मैं बोलते हुए एक बार भी बोर नहीं हो रही हूँ, क्योंकि और कुछ मुझे समझ ही नहीं आता। मैं बार अपने दोस्तों की बातें याद करती हूँ और मुझे लगता है कि गॉड्स ओन कंट्री, यस इट इज़, सही कहा जाता है ऐसे। और हर चीज़ यहाँ बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी है। हर जगह के अपने फ्लॉज होते हैं, हो सकता है यहाँ के जो लोकल नेटिव्स हों उनको पता हो यहाँ के फ्लॉज। हमारे लिए एज अ टूरिस्ट ट्रैवलर इट इज़ ब्यूटीफुल। देखिए एक डिफरेंट सा, नाम मत पूछिएगा दोस्तों, ब्लू कलर का कोई बोर्ड है, एंड आई एम सॉरी मुझे नाम नहीं पता। आप हमारी वीडियोस पर कमेंट ज़रूर करें, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो ज़रूर 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 लिखें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। इट इज़ लाइक अ गाइडेंस टू अस कि हम आगे क्या इम्प्रूवमेंट्स करें। वी आर न्यू टू दिस यूट्यूबिंग वर्ल्ड, तो आपके जो कमेंट्स होंगे करेक्शन वाले वो हमें गाइड करेंगे और हम अपने आप को और बेहतर बना सकेंगे। और आपको क्या पसंद आता है, किस स्टाइल में हम वीडियोस बनाएं, और आपके साथ शेयर करें कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज के समय में बहुत से लोग हैं जो मिलते हैं जो ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि हम उस जगह शायद जा नहीं सकते या इस तरह की ट्रिप हम नहीं कर सकते, बट थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ऐसी ट्रिप की और हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, तो हम फील कर सकते हैं, हम उसे पर्सनली इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते हैं, मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, बट कॉम्प्लीमेंट्स बहुत खुशी देते हैं, लेकिन जो करेक्शन वाले कमेंट्स होते हैं ना वो तरक्की देते हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो आप अगर कोई करेक्शन है, कोई चीज़ सुधार आप चाहते हैं कि इसमें किया जाए, तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर 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 करें ताकि हम और बेहतर बन सकें, क्योंकि हम आगे और भी कुछ कुछ नया करने का सोच रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लानिंग में हैं, अभी माइंड में हैं, और हम उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से करें। तो अगर आपके करेक्शंस होंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और भी लोगों तक ये पहुंचेगा, तो हम लोगों तक अपनी नए नए वीडियोस पहुंचा सकेंगे और फिर उनके आपके करेक्शन से हम और बेहतर तरीके से उन तक पहुंच सकेंगे। तो ये हमारी छोटी सी फैमिली इंजॉय करते हुए, और मैं नहीं चाह रही थी मेरे चेहरे पे फोकस आए या ये क्लिप शेयर की जाए, बट दिस मैन ये बात नहीं मानते और उन्होंने आखिरकार इस क्लिप को शेयर कर दिया। सो वी हैड फन। मिस्टर जॉन हमारे साथ अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अपने बच्चों के बारे में वो हमें बता रहे थे, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस उन्होंने इस लोकल एरिया के लिए दी, क्योंकि मुझे याद आ रहा था पिछले कुछ सालों में यहाँ पे फ्लड हुआ था, तो मैंने पूछा कि यहाँ पे भी फ्लड हुआ होगा, ये बैक वाटर तो इनसाइड सिटी चला गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे जो मैंने उनसे किए, और उन्होंने सरप्राइजिंगली ही सेट कि यहाँ पे फ्लड नहीं हुआ था, वो और भी ज़्यादा इंटीरियर एरियाज़ में होता। आई डोंट नो, आई डेंट अंडरस्टैंड हिज पॉइंट, बट ये देखिए ये नया रूट है और ये पानी थोड़ा सा और गंदा है, तो मैं और ज़्यादा खुश हूँ कि मैं यहाँ नहीं रुकी, आई घूमी फिरी मस्ती करी और मैं यहाँ से अब जा रही हूँ वापस। और जब मैं यहाँ पे दोस्तों इस एरिया में थी ना, तो बार बार मन में मैंने जैसे शेयर किया कि डर आ रहा था, और वो डर इस मोमेंट को चोरी कर रहा था। देन आई रियलाइज कि अगर मैं डरती रहूँगी तो फिर इस समय को खो दूँगी, तो बेटर आई शुड अवॉइड दैट फियर, और मुझे इन्जॉय करना चाहिए इस मोमेंट को, क्योंकि ये दोबारा शायद बहुत जल्दी या तो लाइफ में नहीं आएगा और या तो बहुत जल्दी नहीं आएगा। सो आई शुड इन्जॉय दिस मोमेंट। तो फिर मैंने अपने डर को निकाल दिया और मैं इन्जॉय करने लगी। और फिर सारे वीडियोज़ मैंने ही बनाए हैं, ये सारे वीडियोज़ मैंने बनाए खुश होकर। और अब हम वापस जा रहे हैं, इवेंट की ज़िद है कि उसे एक बढ़िया सा लंच करना है, तो उसकी ट्रीट तो बनती है, क्योंकि उसे रास्ते में ट्रीट नहीं मिली। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे और बढ़िया सा कोई लोकल लंच रेस्टोरेंट ढूंढेंगे लंच के लिए। और हमारे मास्टर डॉयल का तो एक ही चॉइस होता है, किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर एक ही सवाल होता है, आपके पास केरला पराठा है? एंड व्हेन दे सेड हाँ है, तो बस ले आइए, उसके साथ क्या खाना है? कुछ नहीं खाना है, उसे केरला पराठा खाना है। तो अब हम ढूंढेंगे रेस्टोरेंट, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, केरला पराठा तो हर जगह मिल जाता है, बट बढ़िया सा ऑथेंटिक फूड जहाँ हमको केरला का मिल सके। और ये अब हमारी सवारी इस पुलारी, आई थिंक इस बोटिंग प्लेस का नाम पुलारी ही था, या पुलारी बोटिंग हाउस से वापस जाते हुए। और यहाँ से निकलकर हमने बढ़िया सा टेस्टी सा लंच किया, और उसके बाद क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, यस पुलारी बैक वाटर, सॉरी नॉट बोटिंग, दिस इज़ पुलारी बैक वाटर बोटिंग, और ये है कोवलम बीच। तो दोस्तों खाना खाकर अब हम सीधे आ गए कोवलम बीच में, और आगे बीच है, ये रास्ता ओहो एक कॉलोनी में से होते हुए, एंड स्लोप, और किस तरह से यहाँ गाड़ियाँ थीं, ओह दैट वॉज अ टास्क। स्ट्रेट नीचे जाना हमको, और नीचे से जब गाड़ियाँ ऊपर आते हुए देखकर तो मुझे ये लग रहा था हम वापस कैसे आएंगे, बट एनी हाउ हमें पहुंचना था, क्योंकि सनसेट का टाइम होने वाला था, और फिर वहाँ पार्किंग मिलने की मुश्किल होती है। और ये आ गए हम सागर किनारे, दिल ये पुकारे तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, वही फीलिंग है। मन कर रहा था बढ़िया सा स्पीकर लगा कर कोई ये गाना चला दे, और बस मैं लहरों को देखती रहूँ और मिस्टर डॉयल को देखती रहूँ और गाती रहूँ, सागर किनारे दिल ये पुकारे तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। बहुत ही खूबसूरत समुद्र के किनारे, सच में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे ख्याल मन में आते हैं, बहुत सारे, अच्छे बुरे, खुशियों भरे, दुख से भरे, सारी चीज़ें। और फिर लगता है कि यार सब चीज़ों का सामना करके ज़िंदगी आज यहाँ खड़ी है, निकल आए, तो बस आगे की चैलेंजेस भी निकल जाएंगे। जैसे ये आई लहर, टकराई, वापस, तो ऐसे ही तकलीफ़ें आएंगी, टकराएंगी। गॉड इज़ विथ अस, तो टकरा कर वापस चली जाएंगी। ज़्यादा कुछ कर तो नहीं पाएंगी, जब अब तक नहीं कुछ कर पाई तो आगे भी नहीं कर पाएंगी। ऐसे ही छोटे छोटे ख्याल यहाँ आते हैं। और दोस्तों, इस समय जब मैं इस बीच पर थी तो मैं बहुत थैंकफुल थी। आई वॉज फीलिंग सो ब्लेस्ड, आई वॉज थैंकिंग गॉड कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारी फैमिली को दिया, हमको दिया, स्ट्रेंथ दिया, और इस बात का के लिए तैयार किया कि हम कोशिश करें, ट्राई करें। एंड हमारा ट्रायल सक्सेसफुल है, एक एक मोमेंट सक्सेसफुल है। वी आर टुगेदर, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ ईच अदर, इंजॉइंग एवरी मोमेंट। बहुत ही अच्छा, खुदा का बहुत शुक्र किया मैंने। और इस समय अभी हम हैं कोवलम बीच पे, और ये एक लाइट हाउस बीच भी कहलाता है, फेमस प्लेस है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, बीच के पास कोई नहीं है, कोई खेलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वही हाई टाइड अलर्ट हर जगह हुआ था, तो फिर किसी ने भी बीच के पास जाने का रिस्क नहीं लिया। और काफ़ी टाइट सिक्योरिटी भी थी, तो हम जुगाड़ भी नहीं लगा सके मस्ती करने का। तो फिर हम यहाँ आ गए और वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा क्लाउडी जो वेदर है वो ठीक हो और हम सनसेट देख सकें। एंड देन सडनली दुआ कबूल हो गई और सन जो है नज़र आने लगा। और मैंने अपने सन को, वो बड़ा सन दिखाया कि बेटा देखो सनसेट हो रहा है, सी माय सन, सनसेट इज देयर। We should always, always be thankful to God for everything. God हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। और जहाँ कहीं भी, ज़रूरी नहीं है कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आपको किसी बीच पर ही जाना पड़े, किसी ट्रिप पर ही जाना पड़े, बट फैमिली को टाइम देना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी तरह एक ऐसा मोमेंट जिसमें आप सब खुश हो सकें, परिवार एक साथ हो सके, ज़रूर अपने परिवार के लिए वो समय निकालें और खुदा को शुक्र करें कि उसने हमें ज़िंदगी से नवाजा है। कोविड-19 के बाद दोस्तों, न जाने कितने लोग इस ख्वाहिश को दिल में लेके चले गए होंगे, कितने सारे लोग इस दुनिया से गए, हमारे देश से गए, इंडिया से गए, जिनकी शायद नेक्स्ट ट्रिप रही होगी कि वो साउथ जाना चाहते हैं, केरल जाना चाहते हैं, बीच पर जाना चाहते हैं, सनसेट देखना चाहते हैं, कन्याकुमारी देखना चाहते हैं। आई वॉज काउंटिंग लाइक दैट कि ऐसे कई लोग होंगे जो ये सब करना चाहते होंगे लेकिन नहीं कर पाए। मैं कर पा रही हूँ, मेरी फैमिली कर पा रही है, और ये तमाम लोग जो यहाँ इस समय मौजूद हैं, जो इन्जॉय कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो वी शुड बी थैंकफुल फॉर लिटिल लिटिल ब्लेसिंग्स। कोई भी ब्लेसिंग छोटी नहीं होती, वो किस तरह से हम तक पहुँचती है उसका सफ़र बहुत बड़ा होता है, तो हमें थैंकफुल होना चाहिए। और फाइनली वी स्पॉट सनसेट। और अभी हमें, क्योंकि वापस जाना है, इवेंट पीछे पड़ चुका है क्योंकि उसे स्विमिंग करना है रिजॉर्ट में जाकर, तो नेक्स्ट ब्लॉग उसका होगा, उसका खुद का अपना ब्लॉग। यस, सो नाउ वी आर मूविंग बैक, वी आर गोइंग बैक टू दी होटल। और आप हमारे साथ बने रहिए, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दोस्तों और भी लोगों तक फैलाइए, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, कोई बात अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक ना करें, बट हाँ कमेंट में ज़रूर बता दें कि क्या आपको पसंद नहीं आया और हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए। सो देखिए, कोई भी, सब दूर से ही लहरों को ताके जा रहे थे। एंड यू नो, सेटिस्फाइंग, ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग, इतनी बार भी आप इसे देखें मन नहीं भरता, यहाँ से जाने का मन नहीं करता। जब रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तब भी आप लहरों को देख सकते हैं। बट एनीवेज, ये प्राइवेट बीच नहीं है तो यहाँ से जाना होगा। और ये है प्राइवेट पूल जो है हमारी रिजॉर्ट के अंदर, और यही है हमारा बीटा इवेंट। फाइनली हम टाइम पर पहुँच गए, क्योंकि उसने तो हद कर दी थी कि उसे भी अपना समय एंजॉय करना है। सो ही इज़ हियर एंड वी ऑल आर हियर एक्चुअली। नेक्स्ट व्लॉग इवेंट डॉयल के नाम होगा और हम शेयर करेंगे आपके साथ हमारी कन्याकुमारी की ट्रिप, जो हमारा टारगेट है। हमारी प्लान डेस्टिनेशन की हमें कन्याकुमारी तक जाना है, उसे हम आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, वी लव यू ऑल, बाय बाय दोस्तों।